नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। फिर से एक नई भर्ती लेकर आपके सामने आ चुके दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा महिला स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती निकाली गई है दोस्तों। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इसका आवेदन शुल्क केवल 25 रुपए रखा गया है। नॉर्मल फीस है, नॉर्मल पे आपको करना है, एक फॉर्म पे आपको करना है और इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल फीस रखी गई 25 रुपया पेवल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट का नाम है GoNews24, ठीक है। आपको यहाँ पर सभी प्रकार के नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। GoNews24 पर अब जैसे ही आएंगे आपको क्रोम ब्राउजर में लिख लेना है GoNews24, पहली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस शो होने लगेगा। आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, यहाँ पर आपको फॉलो का ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पर आप जरूर से फॉलो कर लीजिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 5000 से भी अधिक पदों पर भर्ती निकाली है, इसमें आप जरूर से आवेदन यहाँ पर आप कर सकते हैं। 5000 से भी अधिक पदों पर भर्ती निकाली है दोस्तों, यानी कि टोटल महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 5272 पदों पर भर्ती निकाली है। 40 साल तक के उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पद का अगर हम बात करें तो कौन सा पद है, तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद है। इसमें 28/10/2024 को आवेदन इसके स्टार्ट हो चुके हैं एंड 27/11/2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें दोस्तों तो 25 रुपए एसटी एससी ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 25 रुपए शुल्क रखा गया है, जो कि सभी के लिए नॉर्मल है, ठीक है। कुल पद की बात करें तो इसमें है 5272 पद इसमें रखे गए हैं दोस्तों। चिन्हित किए गए पद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आप न्यूनतम 18 साल से लेकर 40 साल तक के अगर आप हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी सरकारी नियम के अनुसार। शैक्षणिक योग्यता अगर हम बात करें तो ANM डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, यूपी पेट का स्कोर कार्ड आपके पास होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो जो डॉक्यूमेंट आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको देना है। उसके बाद अगर हम बात करें सैलरी की तो सैलरी सरकारी नियम के अनुसार दी जाएगी, अभी सैलरी का नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। और अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो इसमें रिटन एग्जाम होगा एंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपका चयन इसमें होगा दोस्तों। अब बात करते हैं ना हम इसमें आवेदन किस प्रकार से करते हैं, तो आप आवेदन UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाएं, होम पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, डिटेल दर्ज करें, फीस का भुगतान करें, फॉर्म सबमिट करें, इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम वेबसाइट पर जैसे क्लिक करेंगे हम उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर हो जाएंगे एंड आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देख सकते हैं 23 पेज का टोटल यहाँ पर जो PDF वो है। तो वीडियो कैसा लगा, इस भर्ती में अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर से कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।